नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ईएसपी कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काटा फीता। अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर कर दी जेपी पर कसा तन। आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की शुरुआत सपा सरकार के समय की गई थी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। पीएम नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को 22 करोड़ रुपए की लागत से बने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। पीएम मोदी के यूपी दौरे से पहले सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। आपको बता दें, अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े सपा कार्यकर्ताओं की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई। सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रख लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब दें। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर कई ट्विटर यूजर ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, अनुरोध मिश्रा लिखते हैं, भाई मेरे एक बात समझ नहीं आई, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज बनकर तैयार हुआ है तो समाजवादी पार्टी ने इसे कैसे बनकर तैयार किया है। पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है, मुझे लगता है कि इस बार भी सपा को बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। बिट्टा जैन ने लिखा, अभी तक यूपी में जो भी काम हुआ सब सपा के द्वारा किया हुआ है। बस पूरा इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस समय फीता काटने वाला कोई नहीं मिल रहा था, अब जाकर योगी जी मिले हैं। वह गुप्ता पूछते हैं, जब सब कुछ आपकी पार्टी ने किया था तो यूपी की जनता ने आपको दफा क्यों कर दिया था। अभिषेक सिंह कमेंट करते हैं, बस इतना कहना बाकी है कि राम मंदिर भी समाजवादी पार्टी ने बनवाया है। कोई भी काम आपने समय पर पूरा नहीं किया। जब आपकी सरकार जाने वाली थी तब आपने फर्जी तरीके से 500 से ज़्यादा शिलान्यास किया, इस पर एक रुपये का भी काम नहीं हुआ। विमल योगी तिवारी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि गारा आया सैफई से और आया आजमगढ़ से चूना, भाई नतीजे नाच देखे उन्होंने किसी को कब सुना। न्यू डालकर भूल गए अब काहे का रोना धोना, जिसने पूरा काम किया हो नाम तुलसी का होना। गौरतलब है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की शुरुआत सपा सरकार के समय की गई थी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।